हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको मैक्रम के कॉर्ड से नैपकिन होल्डर बनाना बताऊंगी। सो देखिए फ्रेंड्स, नैपकिन होल्डर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लू और ऑरेंज कलर में दो कलर में कॉर्ड लिया है। इस तरह के बीट्स लिए हैं, थोड़े से पिंक और रेड में थोड़े दिख रही है, इस तरह के बीट्स हैं। ग्रीन बीट्स लिया है, लाइटर लिया है, सीजर लिया है, एक इस तरह के सेफ्टी पिन लिया है, और यहाँ पे देखिए 4.5 की वन रिंग ली है मैंने, 4.5 इंच की एक रिंग ली है। आप चाहे तो इस रिंग की साइज बड़ी ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए 1.5 इंच की मैंने छोटी रिंग ली है, 1.5 की वन रिंग ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर का कॉर्ड लिया है, और 1.5 मीटर के कॉर्ड को हमें इस तरह से डबल करना है, और यहाँ पे रिंग में हमें इसे फंसाना है इस तरह से। देखिए, दूसरा कॉर्ड लिया है 1.5 मीटर का, इसे भी हमें यहाँ पे इसी तरह से फंसा लेंगे। देखिए, ये इसे फंसा लिया। फिर से ब्लू कॉर्ड लिया 1.5 मीटर का, यहाँ पे इसे हम फंसाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा कॉर्ड फंसाएंगे। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी हम ब्लू कॉर्ड दो फंसा लेंगे। अब देखिए, इस तरह से मैंने इसमें कॉर्ड फंसा लिया। 1.5 मीटर के सभी कॉर्ड यहाँ पे यूज किया है मैंने। तो अब यहाँ से हम नॉट लगाना स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ के चारों कॉर्ड ले लेंगे और इस तरह से नॉट लगाना है। उसके बाद अब हम अंदर की तरफ कॉर्ड लगाएंगे। तो यहाँ के बाहर के दो कॉर्ड छोड़ देंगे, अंदर के कॉर्ड को ले लेंगे। फिर से यहाँ से कॉर्ड ले लेंगे, इसमें भी नॉट लगाएंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे नॉट लगा लिया। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस कॉर्ड में इस तरह से सिंपल नॉट लगा लिया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी ये नॉट कैसे लगाना है इस कॉर्ड में। और अभी बीच में का ये देखिए हमने कॉर्ड लिया, इस तरह से हाफ नॉट लगाएंगे पहले। देखिए यहाँ पे, अब इसमें हम एक बीड्स लगा लेंगे। यहाँ पे हम स्पाइरल नॉट लगाएंगे, जो राउंड में घुमा हुआ होता है वो नॉट लगानी है हमें यहाँ पे। देखिए, इस तरह से ये घूम जाएगा। हमें सिर्फ एक ही साइड से इसमें नॉट लगाना होता है, जिससे कि ऑटोमेटिकली ये खुद ही घूम जाता है नॉट लगाने के बाद। ये देखिए, देखिए इसी तरह से लगाना है।
इसको इसको हमें इसके लेबल के मिलाना है। तो यहाँ पे तीन बीड्स लग जाएंगे। अभी एक बीड्स और लगा लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम एक ग्रीन बीड्स लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से ये लेबल में यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको इस तरह का नॉट लगा के दिखा दूंगी। देखिए इस तरह से चारों कॉर्ड को ले लिया। सिंपल ही नॉट हमें इसमें लगानी है। देखिए इस तरह से। टाइट नॉट लगाना है। देखिए ये जो दो कॉर्ड हैं इन्हें हम इस तरह से ये बीच की उंगली पे रख लेंगे और हमें इधर के साइड नहीं करना है। इस कॉर्ड को हमें यहाँ पे राउंड शेप में लानी है। तो इस कॉर्ड को हम जरा सा इस तरह से क्रॉस में रखेंगे। क्रॉस में रख के हमें यहाँ पे नॉट लगाएंगे तो जिससे ये थोड़ा सा क्रॉस में हो जाएगा। इसको गुलाई में थोड़ी आकार मिल जाएगी। देखिए इस तरह से। ये देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये तीनों एक लेवल में आ गया। तो अब ये एक लेवल में आ गया है तो अब हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। तो देखिए ये जो ऑरेंज कॉर्ड है इसमें से दो ले लेंगे और दो ब्लू कॉर्ड ले लेंगे इस तरह से। अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखिए नॉट लगाएंगे। यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गया। इधर का भी हमें इसी तरह से कर लेना है जिससे कि ये साथ में ज्वाइंट हो जाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये इस तरह से ज्वाइंट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट कर लिया। फिर से देखिए यहाँ पे हम इस तरह से कॉर्ड लेके फिर से नॉट लगा लेंगे। एक एक नॉट लगा लेंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास ये रिंग है 4.5 इंच की, अब यहाँ पे हम इसे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले सभी कॉर्ड को हम रिंग के अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से। और इस तरह से देखिए लगाना है। रिंग के ऊपर से इस तरह से ले लेना है और डबल टाइम हमें यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए। सो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सभी कॉर्ड को रिंग में अटैच कर लिया। अब यहां से ये कॉर्ड हम कट करेंगे। तो 1 इंच के डिस्टेंस पे हम इसे कॉर्ड को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पे देखिए अब इस जो हमने कॉर्ड कट किया है उसमें हम एक इस तरह से बीड्स लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से मैंने रेड और ग्रीन बिट्स सभी कॉर्ड में लगा लिया है। अब हमें ये रिंग कवर करनी है, तो यहाँ पे मैंने दोनों कॉर्ड लिया है, ऑरेंज और ब्लू। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस कॉर्ड को जलाना है। देखिए, इस तरह हमने जला लिया। अब यहाँ पे हमें इसे रख के इस तरह से दबा देना है, जिससे कि यहाँ पे ये चिपक जाए अच्छी तरह से। देखिए, इस तरह से यहाँ पे चिपक गया। अभी इन दोनों कॉर्ड को इस तरह से, उसके बाद अभी ये दो जो कॉर्ड है इन्हें हमें नीचे से लेना है। इस तरह से रिंग के ऊपर हमें इसे लगाना है। यहाँ पे इस तरह से आराम से लग जाता है, दिखने में भी खूबसूरत लगेगा ये डबल शेड में यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड, इस तरह से सभी कॉर्ड को, इस तरह से कॉर्ड को रिंग पे लगा लिया है, और यहाँ पे मैंने कॉर्ड को इस तरह से कट कर लिया है। अब इसे मैं जला के यहाँ पे ही चिपका दूंगी। देखिए इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से चिपक गया। अब ये जो रिंग खाली है, इसी तरह से हमें इसे भी कवर कर लेना है। दोनों कॉर्ड ले लिया। अब यहाँ पे पहले हम इसे जला लेंगे कॉर्ड को। ये देखिए, अब फिर से यहाँ पे रख के इसको इस तरह से यहाँ पे दबा देंगे, जिससे ये चिपक जाएगा। अब हमें इसे अंदर से निकालेंगे कॉर्ड को। देखिए, और इस तरह से राउंड राउंड में ले लेना है। पूरे रिंग को हम इस तरह से कवर कर लेंगे। फिर से इसे जला के चिपका देंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये नैपकिन होल्डर बन के आया है। दिखने में काफी खूबसूरत है, यूनिक डिजाइन है, सिंपल है, बनाने में भी आसान है। आप इसे इजीली अपने घर पे बना सकते हो। इसमें खर्च भी कम लगेगा और लगता है, और समय भी कम लगता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। ये एक मेरे सब्सक्राइबर थी, जिनकी रिक्वेस्ट थी कि मैम हमें एक नैपकिन होल्डर न्यू डिज़ाइन में बताओ, तो इसलिए मैंने उनके लिए वीडियो बनाया है। आई होप उन्हें भी पसंद आएगा और आप सबको भी पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कर लें, आगे के इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो को मेरे देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू।